Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Amritsar, unofficially called as the street food capital of India. Amritsar mein itna delicious street food milta hai. Actually, jab maine apna channel start kiya tha, tab maine Amritsar pe do videos banaye the, but those videos are kind of immature and I was just randomly shooting. But this time I am in Amritsar for 2 days aur hum log itna sara delicious khana khane wale hain. Hum khayenge kulchas, we are going to eat chole puri, we are going to eat some chaat, some chai, lots of non-vegetarian stuff, lachha paratha, dal, bahut kuch hone wala hai. So aaj ka jo video hone wala hai, usme hum typically non-veg food zyada dikhane wale hain aur jo next video aayega, that is going to be a pure vegetarian food video. So make sure that you watch both the videos. The first place that we are going to today is Kanha Sweets. Among locals and among tourists, this place is very popular for its breakfast. यहाँ पे आपको मिलता है छोले पूरी. Let's go and grab a plate of छोले पूरी. So here is our plate of chole puri. Actually, इनका एक air conditioned छोटा सा restaurant है जहाँ पे बैठ के आप आराम से खा सकते हो. So that's a very good thing क्योंकि अमृतसर में अभी तो काफ़ी गर्मी है. So let me show you. ये पूरी देखिए guys, इतनी fluffy, perfectly round, ऐसे बोलते हैं ना ballooned up पूरी है ये. इसको हम थोड़ा सा अभी अंदर से पूरा ऐसा गर्म धुआं निकल रहा है. पूरी की साइज़ देखिए, परफेक्ट. यहाँ पे आपको दो करीज मिल जाती हैं, तो ये है चना और ये है आलू की सब्ज़ी. तो ये जो चना है इसके ऊपर इन्होंने आलू डाला, जिसको ये बोलते हैं आलू नमकीन, विच इज़ बेसिकली लाइक अ पटेटो पिकल. और यहाँ पे आपको मिल जाता है अनियन. एंड मुझे तो राय नहीं जा रहा है गाइस, चलो वो पूरी इतनी क्रिस्पी, बहुत मस्त है पूरी. जब एक्चुअली बनी रही थी तब भी दिखने में इतनी मस्त लग रही थी. एंड नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. गाइस, दिस इज द परफेक्ट पूरी. मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगी, इट्स जस्ट परफेक्ट फ्रॉम टेक्सचर टू टेस्ट, एवरीथिंग गुड. ज़्यादा उसको फ्राई भी नहीं किया है और अंडर फ्राई भी नहीं किया है और इतने से ऑयल भी हाथ में नहीं आ रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है. ये जो चने हैं ये इतने सॉफ्ट हैं, मतलब ये ऐसे इतने इजीली ब्रेक हो जा रहे हैं. ये देखिए, दे लाइक सो नाइसली बॉइल्ड एंड कुक्ड. एंड इसमें खड़े मसाले डाले हुए हैं बनाने के टाइम, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है स्पाइसेस का. इट्स वेरी हॉट इन नेचर. दिस आलू नमकीन, एज द नेम सजेस्ट, इज अ लिटिल लाइक नमकीन और ऐसा चटपटा. बट ओह माय गॉड, क्या टेस्ट है. अभी आलू ट्राई करते हैं. दिस इज ए सिंपल आलू ग्रेवी. गाइस, ये टू माय सरप्राइज हल्का सा खट्टा है. अगर ऐसी आपको प्लेट मिल जाए तो आप बोलोगे ना कि यार यहाँ पे अचार या चटनी नहीं है. ये उसकी कमी पूरी करता है बाय ब्रिंगिंग अ सार फ्लेवर. Loved it. आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है सुरजीत फूड प्लाजा. दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर अमंग लोकल्स, बट इट्स नॉट जस्ट पॉपुलर अमंग लोकल्स, ये प्लेस पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आके खाते हैं. सो यहाँ के ओनर हमें बता रहे थे कि हाउ सो मेनी सेलिब्रिटीज कम हुए एंड दे हैव तंदूरी चिकन. ये प्लेस 1976 में इस्टेब्लिश हुई थी और यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं ये इनका टेम्पररी आउटलेट है. इनका जो मेन आउटलेट है दैट्स अंडर रेनोवेशन एज ऑफ नाउ. लेट्स गो एंड सी कि हमारी तंदूरी चिकन कैसे बन रही है. So
गाइज अवर तंदूरी चिकन इज हियर, यू सॉ द मेकिंग ऑफ इट. इतना देसी घी डाला उन्होंने और जब बन रहा था क्या खुशबू आ रही थी, ऐसे लग रहा था अभी खा लूँ मैं. ये देखिए, तो ऊपर से ये लोग एक सीक्रेट मसाला भी डालते हैं, वो हम टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा. बट दिस इज वन फुल प्लेट ऑफ स्मोकी ग्रिल्ड तंदूरी चिकन. इट लुक्स सो गुड, इट लुक्स सो शाइनी, लाइक जस्ट लुक एट ऑल द शाइन ऑन दिस तंदूरी चिकन. उसके ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है चटनी. ओहो हो, सो टेंडर. ये देखिए, नो एफर्ट इन ब्रेकिंग एट ऑल. लेट्स टेक द फर्स्ट एंड बिग बाइट. ओह वाओ, सो गुड. एक बाइट अभी हम लोग ये चटनी के साथ खा के देखते हैं. यू नो, आपको लग रहा होगा ये अपने एक्सप्रेशन इतने एग्जैजरेट क्यों कर रही है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज द तंदूरी चिकन ऑफ योर ड्रीम्स गाइस. मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो ये था कि आई एम ग्लैड कि तंदूरी चिकन ऐसे इतनी रेड नहीं लग रही है, बिकॉज मैनी पीपल जस्ट एट द रेड फूड कलर एंड ट्राई टू मेक इट लुक सो रेड. ये इतनी जूसी, इतनी टेंडर है, नो एफर्ट इन ब्रेकिंग एट ऑल. इसका जो टेस्ट है इतना स्पाइसी नहीं है, बट इट्स चटपटा, तो इसमें ऐसा मस्त चटपटा सा टेस्ट आ रहा है अंदर तक. इसमें ऐसे जूसेस हैं एंड इट्स सो नाइसली ग्रिल्ड. तो इसमें ऑब्वियसली ब्लैक पेपर का अच्छा खासा स्वाद आ रहा है. देन ऊपर से जो उन्होंने मसाला डाला है, आई थिंक इट हैज़ अ बिट ऑफ रॉ मैंगो ऐसा, क्योंकि चटपटा सा टेस्ट आ रहा है. दिस चटनी अगेन मस्त चटपटी सी है, ये मिंट की चटनी है. लव दिस, बहुत अच्छा लगा मुझे. सो ओवरऑल बिग थम्स अप फॉर दिस तंदूरी चिकन, वन ऑफ द फाइनेस्ट तंदूरी चिकन आई हैव हैड. बहुत मस्त है. ऑफकोर्स इसकी USP है जो ऊपर से इन्होंने मसाला डाला है, देन लॉट्स ऑफ देसी घी एंड दिस चटनी, टू गुड. दिस इज़ सम मटन टिक्का और उसके ही साथ मैंने नान ले लिया है. इट्स नॉट वेरी ड्राई, देर इज सम ग्रेवी, एकदम ऐसे लाइट ग्रेवी है ये. एंड ढेर सारा मुझे इसमें अनियन दिख रहा है, तो जो ग्रेवी है वो ऑब्वियसली अनियन और स्पाइसेस यूज करके डाली गई है. सो आई एम गोइंग टू टेक सम ऑफ दिस मटन टिक्का और मैं एक नान ले लूँगी विच इज स्मदर्ड इन देसी घी. नान इतना क्रिस्पी, द एजेस आर सो क्रिस्पी, देर आर लेयर्स. ओके, नान में काफ़ी सही नान लग रहा है ये. आई नो मटन टिक्का इज सपोज टू बी एन एपेटाइजर, बट पता नहीं क्यों मुझे चिकन टिक्का, मटन टिक्का ये सब नान के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है. द नान इज फैंटास्टिक, देसी घी का इतना मस्त स्वाद आ रहा है. मटन ये बाइट खा के मालूम पड़ेगा, मटन इतना टेंडर है, सो नाइसली कुक्ड, एकदम ऐसे छोटे छोटे पीसेस हैं. मटन तो काफ़ी अच्छा है ही, बट टिक्का में कैसे आपको एक स्मोकी फ्लेवर चाहिए होता है, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा. ऑल्दो दिस टेस्ट्स अ लॉट लाइक मटन भूना, ये जो अनियन है उसको बहुत अच्छे से भूना है और इसमें डाले हुए हैं मसाले, गरम मसाला अच्छा खासा डाला हुआ है इसमें. एब्सोल्यूटली लव दिस. दिस वॉज डिलिशियस, बट द स्टार इज गोइंग टू बी तंदूरी चिकन फॉर श्योर. इवनिंग, अभी टाइम है चाय पीने का और हम चाय पीने ही निकले थे, बट देन वी थॉट व्हाई नॉट हैव सम चाट. सो अमृतसर में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड ब्रिजवासी चाट, आई एम राइट ओवर हियर, और यहाँ पे मिलती है बन टिक्की विच इज़ नॉट एसेंशियली अ चाट,
एक्चुअली एक स्नैक आइटम है बट इट्स वेरी पॉपुलर. यहाँ पे आपको देखेगा कि पीपल पार्क देयर कार्स और कार में ऐसे ये बन टिक्की लेके दे जस्ट एंजॉय इट ड्यूरिंग इवनिंग. सो दिस इज अ प्लेट ऑफ बन टिक्की. यहाँ पे बैठने की भी जगह है बट वहाँ पे लाइट कम थी तो मैं बाहर रुक के आपको दिखा रही हूँ. बहुत सिंपल प्रेपरेशन है. ये बन है जिसके अंदर उन्होंने टिक्की को ऐसा थोड़ा स्क्वॉश करके डाला और दो चटनीज डाली इन्होंने. एक ये ग्रीन चटनी जो पुदीने की है और एक ये मीठी चटनी जो थोड़ी शक्कर की और एक इमली की चटनी. एक्चुअली तीन चटनी है और ये बन को वो फिर दो पार्ट्स में कट करते हैं. एकदम गर्मा गर्म है ये. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. वाओ, फर्स्ट इम्प्रेशंस वेरी वेरी ग्रीसी. ढेर सारा ऑयल डाला हुआ है. ऐसा लग रहा है पूरा फ्राई किया है उसको. बट क्या स्वाद आ रहा है. अभी मैंने सिर्फ ये मीठी चटनी टेस्ट की विच इज स्वीट. अब मैं थोड़ी पुदीने की खा के देखती हूँ. ये एक बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है बट वॉट मेक्स इट स्टैंड आउट इज हाउ परफेक्ट इट इज. ये जो बन है काफ़ी सॉफ्ट है अंदर से, परफेक्ट टेक्सचर, और बाहर से प्रॉपर क्रिस्पी. अंदर ये जो टिक्की है कुछ भी स्पाइसी नहीं है. इट्स अ हम्बल आलू टिक्की जिसके अंदर जीरा, धनिया और थोड़े से ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं. ये जो चटनी है हल्की सी खट्टी, हल्की सी मीठी, और ये पुदीने की चटनी फ्लेवरफुल पुदीने का. नथिंग इन दिस इज स्पाइसी, नथिंग. इट्स अ ग्रीसी बन टिक्की विद अ खट्टा मीठा ट्रीट. Like a good evening. We are at Gyani Tea Stall और यहाँ पे हमने ले ली है पिस्ता बादाम इलायची चाय. Just look at this. ये stall को start हुए 70 plus years हो गए हैं और यहाँ पे आपको different तरीके की चाय मिलती है. So I asked them which is their best selling and which one would they recommend. So they gave me a बादाम पिस्ता. Oh my God! Wow. मैंने ऐसे कभी पहले कुछ भी नहीं पिया है. नीचे जो चाय है वो सिंपल चाय है, जो मसाला चाय होती है वो. ऊपर से उन्होंने मिल्क को बॉईल करके फ्रॉथ डाला एंड ऊपर से क्रश्ड इलायची, बादाम और पिस्ता. क्या स्वाद आ रहा है मसाला इलायची बादाम पिस्ता का. एंड दिस फ्रॉथ इज ब्रिंगिंग लाइक अ नाइस क्रीमी फ्लेवर. बहुत बढ़िया ये. आई थिंक इसको मैं बाद में ऐसे मिक्स भी करने वाली हूँ बिकॉज क्वान्टिटी देखिए आप, इतनी तो मैं अकेले पी नहीं पाऊँगी. एक मुझे और चीज़ क्या अच्छी लगी कि ये जो चाय है इसमें पानी का प्रोपोर्शन कम रहता है दूध का ज़्यादा. इवन दो दूध काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी था. इलायची इन द चाय इज़ वन फ्लेवर बट रॉ इलायची कमिंग इन योर माउथ वाइल हैविंग दिस ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम. इट्स नॉट वेरी स्वीट. कुछ भी इतना स्वीट नहीं है. सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इलायची और बादाम इनका ही आ रहा है पिस्ता का. इट्स नॉट स्वीट सो दैट्स अ गुड थिंग. आज की जो नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो है माखन रेस्टोरेंट. अब आप बोलोगे पूजा तूने तो टाइटल में स्ट्रीट फूड लिखा है बट वाई आर यू सिटिंग इन एन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट. सो लेट मी टेल यू एक्चुअली जो माखन फिश कॉर्नर है वो इसके एकदम बाजू में है एंड इट कम्स अंडर स्ट्रीट फूड. इट्स अ स्मॉल जॉइंट बट वहाँ पे बार सेक्शन भी है. सो आई फेल्ट मोर कम्फर्टेबल कमिंग इन देयर रेस्टोरेंट. सो ये प्लेस 1962 में एस्टेब्लिश हुई थी एंड इट्स वेरी वेरी पॉपुलर इन अमृतसर फॉर फिश. मैं अमृतसर कितनी बार आई हूँ बट आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस एवर. सो आज एक्चुअली ये रेस्टोरेंट करने का इतना प्लान नहीं था बट आई थॉट चलो लेट्स डू इट बिकॉज आई हैवन डन दिस एंड आई हर्ड सो मच अबाउट दिस प्लेस. सो ये माखन रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर दिस डिश. इट्स फिश फ्राइड संगारा और फ्राइड फिश संगारा. सो दीज आर चंकी पीसेज ऑफ फिश विच आर फ्राइड एंड ऊपर से डाला हुआ है चाट मसाला. अलॉन्ग विथ इट यू गेट सम मेयोनीज, सम चटनी एंड सम अनियन. दिस लेयर इज सुपर क्रिस्पी और ये जो बैटर है जिसमें फिश को डाल के इन्होंने फ्राई किया है उसकी कोई ऐसी थिक लेयर नहीं है, एकदम पतली सी लेयर है.
ओके सो ये फिश एक्चुअली काफ़ी क्रिस्पी है, इसको एकदम परफेक्टली फ्राई किया है, ऊपर से जो चाट मसाला डाला हुआ है टू गुड. दिस प्लेस और सुरजीत ये जो चाट मसाला बनाते हैं वो इन हाउस बनाते हैं, तो इनके खुद के ऐसे मसाले होते हैं इसलिए इनकी टेस्ट ऐसे अलग होती है. तो मैंने ये प्लेस के बारे में जितना सुना है इट फील्स लाइक अ लिटिल ओवररेटेड, क्योंकि इवन दो इट्स अ गुड फ्राइड फिश इसमें वो हल्का सा फाउल टेस्ट और स्मेल है जो फिश का होता है, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट. लाइक आई डोंट लाइक दैट फाउल स्मेल, इवन इफ इट्स 1% मुझे वो नहीं अच्छा लगता है, और इसमें वो है. सो दैट्स जस्ट वन थिंग, आई वोंट से इट्स द वर्स्ट बट आई वोंट से इट्स द बेस्ट ईदर. अमृतसर आके अगर मैंने चाट नहीं खाई तो मेरी ट्रिप तो समझो इनकम्प्लीट है. चाट खाने में आ गई हूँ एट दिस प्लेस कॉल राजस्थानी चाट भंडार विच इज़ हियर इन 1995 एंड दे हैव टू ब्रांचेस इन अमृतसर. सो यहाँ पे मैंने दो आइटम्स ले लिए हैं, लेट मी शो यू. इधर मैंने ले लिया है भला पापड़ी चाट और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं गोलगप्पे. यहाँ पे कंपेयर टू स्ट्रीट फूड कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट द फूड हियर इज सपोज टू बी वेरी टेस्टी एंड दे यू नो टेक ऑल द हाइजीन मेजर्स सीरियसली. सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू हैव इज सम गोलगप्पे. अमृतसर स्पेसिफिकली पंजाब के जो गोलगप्पे होते हैं उनके पूरी की शेप देखो ऐसी होती है, अंदर डाला हुआ है चना और आलू बस थोड़ा सा. यहाँ पे है ये इमली की चटनी जो मैं थोड़ी सी डालूंगी, सपोज टू बी स्वीट, और ये पुदीने का पानी. वाओ एकदम खट्टा मीठा फ्लेवर है, कोई भी चटनी ऐसे स्पाइसी नहीं है. पुदीने की चटनी इतनी फ्रेश, इतनी खट्टी. इमली की चटनी हल्की सी खट्टी, बट इसमें आई थिंक शुगर या गुड़ डाला हुआ है क्योंकि काफ़ी मीठी भी है ये. पूरी एकदम क्रिस्पी, अंदर आलू और चना, सो गुड. एक और खाते हैं. ये चटनी मैं थोड़ी सी लूँगी और ये पूरी. चीयर्स. अभी खाते हैं ये भला पापड़ी चाट. आपको पता है मुंबई की जो चाट या कहीं और पे चाट ले लीजिए उसमें कैसे ऐसे सेव अनियन टमेटो ऐसे भर भर के डालते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है. भला लिया, पापड़ी, ऊपर से लॉट्स ऑफ दही, चटनी, तो जो भी फ्लेवर आएगा इट विल कम फ्रॉम दही एंड चटनीज एंड नॉट फ्रॉम अनियन टमेटो रॉ मैंगो या ऐसा कुछ भी. हल्का सा सेव डाला उन्होंने जस्ट फॉर दैट क्रंची टेक्स्चर एंड दैट्स इट. एक और चीज़ उन्होंने डाली जो भर भर के डाली वो था वो मसाला. वाओ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इनटू माय माउथ. मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने मीठी चटनी तो डाली थी, बट मुझे लग रहा था दही मीठी नहीं हो, नहीं तो ये बहुत मीठा मीठा हो जाएगा. थैंकफुली दही मीठी नहीं है, बस ठंडी है और एक अच्छा स्वाद ला रही है. ये भल्ला मूंग दाल का सो गुड और बहुत अच्छी लगी मुझे चाट यहाँ की. सेव और जो पोमोग्रेनेट डाला हुआ है हल्का सा क्रंची टेक्सचर ला रहा है. बहुत मस्त है, ओवरऑल बहुत ही मीठा मीठा टेस्ट है. गोलगप्पे ऐसे खट्टे मीठे थे बट ये काफ़ी ऐसा मीठा टेस्ट है. लव्ड इट. इट्स डिनर टाइम और डिनर करने के लिए हम आ गए हैं एट दिस जॉइंट कॉल चार्मिंग चिकन. इट्स अ वेरी स्मॉल कोजी जॉइंट सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट चिकन डिशेस इन अमृतसर. ये भी उनमें से एक जॉइंट है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. सो इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम टू ट्राई बटर चिकन हियर. ये आपके लिए स्पेशल लेकर आए हम. ये तंदूरी चिकन हमारा, ये मलाई टिक्का है, ये फ्राइड चिकन है, ठीक है? आप टेस्ट करो इसको रेड डिप के साथ. यहाँ के ओनर काफ़ी स्वीट हैं, वो हमारे लिए थोड़े एक्स्ट्रास लेके आए हैं. एक्चुअली हमने सिर्फ बटर चिकन ऑर्डर की थी क्योंकि हमें ओवर स्टफ़ नहीं करना था. सो ही गेव अस ऐसे छोटे छोटे पीसेस टू जस्ट ट्राई देयर स्पेशलिटीज़. सो दैट्स नाइस.
सबसे पहले हम बटर चिकन ट्राई करेंगे. सो दिस इज द बटर चिकन फ्रॉम चार्मिंग चिकन. ऊपर से देखिए कितनी सारी क्रीम डाली है उन्होंने, एंड दिस हैज सो मच घी. इसमें बोनलेस पीसेस हैं एंड द ग्रेवी लुक्स सुपर थिक. हियर वी हैव सम गार्लिक नान. सो लेट मी पुट सम ऑफ दैट चिकन हियर. लेट मी ब्रेक सम ऑफ दैट नान. ओहो and oh my god, this is so hot. Look at that. Let's take the first bite. This butter chicken is spicy and full of desi ghee. Isme itni sari cream dali hui hai. It's so rich, it's so heavy. The chicken so tender, goes perfectly well with this garlic naan. वेरी नाइस. ये बटर चिकन की सबसे बेस्ट बात क्या है कि इसमें मसाला स्पाइसेस इनका एक बहुत अच्छा ब्लेंड है. लुक एट ऑल दैट देसी घी. इसमें आपको पता है वो तंदूरी मसाला टाइप ऐसा टेस्ट आता है, वो भी इसमें से आ रहा है. वो आई थिंक मुझे टिपिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि जो चिकन है उसकी मैरिनेशन वैसे की गई होगी. वेरी नाइस, वेरी क्रीमी, बिल्कुल भी स्वीट नहीं है. देयर इज नॉट इवन अ हिंट ऑफ स्वीटनेस, बट वेरी मसालेदार. लव्ड इट. दिस गार्लिक नान, इस पे थोड़े हर्ब्स डाले हुए हैं जैसे ऑरिगैनो, मैंने इस पे गार्लिक पाउडर डाला हुआ है. बहुत कमाल का स्वाद है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई देयर फ्राइड चिकन. मुझे ये बोल रहे थे कि ये फ्राइड चिकन KFC से भी बेटर है. दिख तो बहुत अच्छी रही है. वाओ, ये एक्चुअली KFC के फ्राइड चिकन जैसे ही टेस्ट कर रही है. एग्जैक्टली, दिस इज मलाई चिकन. इसमें भी इन्होंने ढेर सारा देसी घी डाला है. इनका जो चिकन है इट्स वेरी फाइन, लाइक बहुत अच्छी क्वालिटी का है. कुछ एफर्ट ही नहीं लग रहा है च्यू करने में. दिस मलाई चिकन बहुत देसी घी डाला हुआ है. इट्स वेरी 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 क्रीमी. एंड फाइनली सम तंदूरी चिकन. ये मैं इनके रेड चिली सॉस के साथ ट्राई कर रही हूँ. तंदूरी चिकन इज़ नाइस, बट आज हमने सुरजी की खाई वो हमें बहुत अच्छी लगी थी. ये थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही है. ऑफ ऑल द थिंग्स वी ट्राई टुडे, आई थिंक बटर चिकन हियर इज़ अ विनर. यू शुड डेफिनेटली ट्राई. फ्राइड चिकन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो ओवरऑल अ बिग थम्स अप टू दिस प्लेस फ्रॉम मी. This video by having something sweet. Abhi main aa gayi hu A1 Kulfa. This place serves one of the best kulfa faludas in Amritsar. Aur maine apne liye yahan se le liya hai. Guys, this place is crazy. Insane crowd hai yahan pe. Every second yahan pe ek na ek jana aa raha hai aur ja raha hai. Like it's crazy. Sabse niche layer hai wo hai firni ki. So there's some firni jisko aisa thoda sa mash kiya hai. Then upar se there's vermicelli, then rabri. और थोड़ा सा इन्होंने एक सिरप डाला. दैट्स इट. सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीज लेयर्स एंड टेक अ बाइट देयर. टू गुड. अभी समझ आ रहा है यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है. इट्स जस्ट सिंपल बट अ गुड फलूदा. ये बीच में, ओह गॉड, ये मेरी लिपस्टिक भी देख लो. एनीवे, ये बीच में आप देखेंगे इज अ बिग चंक ऑफ कुल्फी. ये कुल्फी इतनी स्वीट नहीं है, हल्का सा इसमें इलायची का फ्लेवर है, मावा कुल्फी टाइप है. और ऊपर से ही जो रबड़ी डाली हुई है गाइस, इट्स सो क्रीमी, सो रिच इन टेस्ट. और नीचे से ये फिरनी, डैम गुड. ऑल्दो इसमें जो सिरप डाला हुआ है उसमें आई थिंक रोज़ का थोड़ा फ्लेवर है, जैसे रोज़ शरबत टाइप होता है. So glad I'm ending my video with this. बहुत अच्छा है ये. हम लोग ऐसे कहीं कहीं पे फलूदा खाते हैं जहाँ पे वो इतनी सारी चीज़ें डाल देते हैं जैसे जेली, आइसक्रीम, बहुत सारे सिरप्स. नो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेस्ट ढाबा इन अमृतसर नियर गोल्डन टेम्पल. उसमें पूरा वेज फूड होने वाला है. सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर दैट.
subscribe to my channel, hit the bell icon. Today's comment shout out goes to all these lovely people. Thank you so much for leaving a comment. I'm gonna see you next time. Till then, khao piyo khusho. Bye. But this time I am in Amritsar for 2 days and I bata. मैं रोज भी लूंगी इधर. या या हाउ आर यू. आई एम गुड, हाउ आर यू. ओके. आई हैड टू रैप दिस अप सो क्विकली. इट्स सो नॉइजी हियर.